Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This session is about leadership, administration, management and supervision. Individually leadership, administration, management और supervision को देखेंगे और फिर इनके बीच में difference क्या है तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगाज में मैं बता दूं कि एक general administration है, general leadership है, general management है और general supervision है। तो इनको आप एजुकेशनल लीडरशिप, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल सुपरविजन के साथ मिक्स ना कीजिएगा। मिसाल के तौर पर जो अमेरिकन है तो दे कंसीडर एडमिनिस्ट्रेशन टू बी एट द टॉप और उसके नीचे है मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम थिंग्स इन ग्रेट ब्रिटेन और जो अफ्रीकन कंट्रीज है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर मैनेजमेंट इज ऑन द टॉप और एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग अंडर द मैनेजमेंट। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, वहां पर जो लीडर्स होते हैं, जो लीडरशिप होती है, दे आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ विजन। दीज आर द पर्सन हु आर एबल टू गाइड यू इन अ डायरेक्शन। दीज आर द पीपल हु विल शो यू द पाथ। सो एजुकेशन के अंदर जो लीडरशिप होती है वो विजन प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन फॉर ऑल, इट्स अ विजन। फ्री एजुकेशन, इट्स अ विजन। कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इज अ विजन। सो दीज आर द आइडियाज, दीज आर द कंसेप्ट्स एंड दीज आर द विजन्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द लीडर्स। सो लीडर्स का काम ये है या लीडरशिप का काम ये है कि दे प्रोवाइड यू द पाथ और दे प्रोवाइड यू द विजन। ना उन्होंने विजन तो दे दिया कि फ्री एजुकेशन, उनके ख्याल में तो आया कि देयर शुड बी कंपल्सरी एजुकेशन, उनके ख्याल में तो आया कि देयर शुड बी फ्री बुक्स। अब इनको प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर किस तरह से इनके लिए गाइडलाइंस डेवलप करने हैं, इनको किस तरह से पॉसिबल बनाना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर मेकिंग गाइडलाइंस, फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ द रिसोर्सेस, फॉर एलोकेटिंग ऑफ द रिसोर्सेस, फॉर प्रोविजन ऑफ द बजट और मॉनिटरी सपोर्ट। सो लीडरशिप आपको आइडियाज देते हैं और उनके लिए जो गाइडलाइंस हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं, सो दे आर फॉर्म्ड और डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। एज फॉर मैनेजमेंट इज कंसर्न, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस। एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया कि फ्री एजुकेशन इस जरिए से होगी कि कोई फीस वगैरह नहीं लिया जाएगा। कंपल्सरी एजुकेशन इस जरिए से होगी कि हर टीचर पेरेंट ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है। नाउ टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और इम्पोज दीज गाइडलाइंस, दीज पॉलिसीज, दीज रूल्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। So management is responsible for the implementation of the policies. As far as supervision is concerned, supervisors are those people through whom the management imposes or implement these guidelines or these policies. अब एक सिंपल मिसाल को लेकर चलते हैं। स्कूल लेवल पर जो प्रिंसिपल हजरात होते हैं, जो हेड टीचर्स हजरात होते हैं, जो हेडमास्टर हजरात होते हैं, सो उनको सुपरवाइजरी रोल दिया जाता है। बट दे कैन नॉट मेक द पॉलिसीज, दे कैन नॉट मेक द गाइडलाइंस। उनके लिए जो पॉलिसीज आती हैं तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से आती है और वहां पर मैनेजमेंट बैठी होती है। सो मैनेजमेंट उनको पॉलिसीज देती हैं कि आप इस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर लें, लेकिन वो पॉलिसीज जो है दे आर नॉट फॉर्म बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मैनेजमेंट बट डेवलप्ड बाय
एट सेक्रेटेरिएट लेवल. सेक्रेटेरिएट लेवल पर पॉलिसीज बनती हैं, सेक्रेटेरिएट लेवल पर रूल्स बनते हैं, सेक्रेटेरिएट लेवल पर रिसोर्सेज एलोकेशन होती हैं, एंड देन दे गाइड और डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन द स्कूल्स थ्रू द हेड टीचर्स. और वहाँ पर सिर्फ नाम सिर्फ रूल्स के अगेंस्ट जो है हेडमास्टर साहब स्कूल के अंदर देखते हैं कि whether things are going properly or not. So it's the main difference between the leadership, administration, management and supervision. So this short presentation was to make you understand what's the difference between leadership, administration, management and supervision. एज फॉर लीडरशिप तो इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है जहाँ पर लीडर और लीडरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है तफसीलन इस पर गुफ्तगु हुई है. और मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फयाल तो उस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है. होपफुली दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.